सो आज का वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस रूट की सीनरी है बेहद मस्त। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों क्या हालचाल सभी के, वेलकम बैक टू ट्रेन सिम गेमिंग। और काफ़ी दिनों से मैं एक ऐसे NFR रूट की राह देख रहा था और फाइनली मुझे एक ऐसा रूट मिल चुका है एक्सपेक्टेड, जो NFR मैंने सोच के रखा था कि एक एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ट्रेन में ऐसा दिखना चाहिए। तो उसी प्रकार से मुझे गाइस ये रूट मिल चुका है। दिस इज़ गुवाहाटी सिलचार वर्जन 1 रूट और आज इसी रूट पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गेम प्ले ऑफ गुवाहाटी जोरहट टाउन जन शताब्दी एक्सप्रेस। मैं आपको रिग दिखा देता हूँ। हम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं अभी फिलहाल। तो ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाइस हमारी रेक लगी हुई है जन शताब्दी एक्सप्रेस की, और इसके आगे जो जनरेटर कार है वो अभी तक लगाया नहीं गया, तो वो मंगाया गया है यार्ड से, तो लोकोमोटिव भेज दिया गया है, वो आ ही जाएगा कुछ ही समय में और फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। और फाइनली ये लोकोमोटिव लेके आ चुका है जनरेटर कार। अरे दो क्यों लाए यार भाई, एक ही ज़रूरत थी, तुम दो क्यों लाए? मालदा टाउन WDM3F क्या करते हो यार, एक ही ज़रूरत थी यार, दो क्यों लाए? चलो कोई नहीं। और वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो गाइस एक LHF मोड में WDP4 एंटर कर रहा है एक LHP ट्रेन के साथ में, बिल्कुल मालदा टाउन के WDM3A के साथ में पैरेलल एंट्री कर रहा है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। क्या बात है, बढ़िया सीन यार, पैरेलल एक्शन बिल्कुल गेम प्ले के स्टार्टिंग में दिख गया, वाह मज़ा आ गया यार। और आज का जो हमारा लोकोमोटिव लीडिंग है, आज जो हमारा लोको लिंक है 12067 गुवाहाटी जोरहट टाउन जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये है हमारा सिलीगुड़ी का WDP4 लोकोमोटिव और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की सिग्नेचर बाज लिवरी है यार ये। मैंने आपको NFR रूट के इतने सारे गेम प्लेस दिखाए लेकिन MSTS के अंदर मैंने दिखाए ट्रेन्स में, ये पहली बार मैं आपको कोई NFR रूट का गेम प्ले दिखा रहा हूँ। देखो मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि यार NFR रूट ट्रेन्स में मेरे को दिख जाए, है एक्चुअली बहुत सारे रूट्स अवेलेबल बट स्टिल वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे थे। जो मैं सीनरी एक्सपेक्ट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में, ये रूट इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को मतलब ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड के बराबर कर दिया है। तो सोचा यार इस रूट पर गेम प्ले करना यार बनता ही है, बिना कुछ सोचे यार मैंने गेम प्ले शेड्यूल कर दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर्सर पॉइंट पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक छोटी मोटी क्रेन है जो ऑब्जेक्ट्स लोड अनलोड करिए, और एक सिलीगुड़ी का WDG4 खड़ा है यहाँ पर। यहाँ पर EMD एल्कोज आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, सिलीगुड़ी के मॉन्स्टर्स आपको बहुत सारे यहाँ पर दिख ही जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में तो सिलीगुड़ी, न्यू गुवाहाटी, हावड़ा के लोकोमोटिव्स आपको दिख जाएंगे, रेयरली आपको किसी अन्य शहर के दिख जाएंगे, या TKD हो गया, या फिर आप लोग बात करोगे किसी और शहर के UBL हो गया, ठीक है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं मोस्टली, मालदा टाउन, सिलीगुड़ी, और आप लोग बात करोगे न्यू गुवाहाटी शेड के लोकोमोटिव्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और भी आपको कोई किसी शेड के आपको दिख जाएंगे लोकोमोटिव्स, कोई रेयर लोकोमोटिव शेड अगर होगा ना तो मुझे भी ज़रा कमेंट्स में बताएं। तो रिवर्सर पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं पीछे। ओके सो यहाँ से गाइस अभी हम लोग पीछे जा रहे हैं वापस, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, ट्रैक स्लीपर्स को फ्लैट कार पे लोड कर दिया गया है मेंटेनेंस पर्पस के लिए मेरे ख्याल से। तो और पीछे जा रहे हैं हम लोग ट्रैक चेंज करके, और उस जनरेटर कार को हम लोग कपल करेंगे, फिर से रिवर्सर पॉइंट पर जाएंगे और फिर से पीछे आके वो जनरेटर कार हमारी 12067 को लगा देंगे और फिर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि आज की जर्नी हम लोग गुवाहाटी से लेके चपरमुख जंक्शन तक करने वाले हैं, और काफ़ी बड़ा गेम प्ले होगा आज का, छोटा गेम प्ले नहीं होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा, मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। और यहाँ पर गाइस हम लोग आ चुके हैं फटाफट से यार, यहाँ पर हम लोग कपल करते हैं जनरेटर कार को, बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट हो गया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भी। एक तो वीडियो भी आज का बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए जल्दी से प्रोसेस को बढ़ाऊँगा। तो ये कपलिंग सीन आप लोग गाइस एंजॉय कीजिए जनरेटर कार को, अभी हम लोग कपल करने जा रहे हैं और इसको डिटैच करके हम वो वाली लाइन पर डाल देंगे 2 नंबर पे जहाँ पर हमारी रेक लगी है। आप लोग एक एक स्टेप को अच्छे से देखते जाइए, ये एक्टिविटीज़ वगैरह कैसी बनानी है, मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग देख लोगे ना तो मैंने आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखाया था लोको चेंज नहीं वाला था, वो एक्चुअली लोको फील्ड वाला था, बट स्टिल उसमें एक्टिविटी कैसे बनाते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देखना, इनकेस अगर आपको सीखना है एक्टिविटीज़ कैसे बनाते हैं एक बेसिक लेवल एक्टिविटी, तो वो वीडियो मेरे ख्याल से इज़ मोर देन इनफ। ओके तो ये जनरेटर कार को गाइस हम सफ़र वाले EOG से डीकपल कर दिया है और फटाफट से गाइस यहाँ से हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम तो यार बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो चुका है।
और फाइनली गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गुवाहाटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और जनरेटर कार लगने जा रहा है हमारे 12067 ट्रेन को। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आज हम लोग डीले है और ट्रेन के टाइमिंग्स को रीशेड्यूल किया गया है। हमेशा की तरह ट्रेन सिम गेमिंग पर ही यार ट्रेन के टाइमिंग्स रीशेड्यूल क्यों हो जाते हैं मुझे खुद को समझ में नहीं आता। खैर आपको तो आया होगा समझ में, ऐसे ही उम्मीद रखता हूँ। और रिवर्सल को फिर से कर दिया है फॉरवर्ड पोजिशन पे, और वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और एक और बात गाइस मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आज के गेम प्ले को थोड़ा सा भी इधर उधर स्किप मत कीजिए। रूट की सीनरी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, डिटेल्ड है, जिस प्रकार से रूट क्रिएटर ने बनाया है, तो उनकी मेहनत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप एंड हियर वी डिपार्ट। सो आई थिंक सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है और यहाँ पर हम लोग डिपार्ट कर दिए हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन फाइनली विद अ सुपर्ब हॉन्ग बाय ईएमडी WDP4 सिलीगुड़ी शेड रोड नंबर 20012 और WDM3A MLDT शेड को हम लोग कह दिए हैं बाय बाय गुड बाय। और वहाँ पर एक WDP4D भी है इटारसी शेड का, उससे भी हम लोग बाय बाय कह देंगे। मतलब कह ही रहे ना, जा ही तो रहे हम, और क्या मतलब जाना बाकी है। डिपार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि रेयर लोकोमोटिव शेड्स यहाँ पर अगर कोई होते हैं तो वो यहाँ पर हमें दिख चुका है आज की गेम प्ले में भी। इटारसी का WDP4D गुवाहाटी पे क्या कर रहे हैं यार, कुछ तो काम होगा तभी तो आया होगा, ऐसे ही थोड़ी ना इधर उधर घूमता है, किसी ट्रेन को लेके आया होगा। एनी हाउ डजेंट मैटर, और इस लोकोमोटिव को बाय बाय, सबको बाय बाय कहेंगे यार। अभी मैं बोलूँगा नहीं इसे बाय कहेंगे उसे बाय कहेंगे, आप समझ लेना हम लोग किसे बाय कहेंगे किसे नहीं, ठीक है। मतलब सभी को बाय बाय कहेंगे यार, सभी तो हमारे दोस्त हैं, सारे लोकोमोटिव सारे रोलिंग स्टॉक आज हमारे दोस्त ही तो है यार, किससे दुश्मनी रखता हूँ मैं है ना। चलो फटाफट से एक्सेलरेशन कर दिया हूँ, लगभग 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हम लोग फिलहाल चल रहे हैं। ट्रैक चेंज करें इसलिए थोड़ा सा स्पीड लिमिट को मैं अंदर रख रहा हूँ, आगे चलकर थोड़ा सा एक्सेल कर लेंगे। यहाँ पर पार्सल कोचेस रखे हुए हैं उत्कृष्ट लिवरी के, ICF ब्लू लिवरी के, तो यार हम नामो निशान अब तो इंडियन रेलवे में मिट चुके हैं पूरा। वो श्रमजीवी एक्सप्रेस जो एक थी, मतलब एग्जिस्टेड ICF ट्रेन, वो भी यार LHB फॉर्मेट में अपग्रेड कर दी गई। मतलब क्या यार, यार कुछ तो एग्जिस्टेंस रखो यार ICF ट्रेन की, ICF ब्लू लिवरी की। ICF ट्रेन तो होगी वो चीज़ नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ICF ब्लू लिवरी तो यार रखो यार थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस में, ऐसे मत करो। कितनी बार कितनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। और सीनरी लेवल तो यार आप लोग देख ही सकते हो, अभी धीरे धीरे चलती जाने वाली है ग्रीनरी, आपको आगे चलकर तो इतने बेहतरीन सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे ना, आप कमेंट में आके बोल ही देंगे कि यार ये रूट कितना ज़्यादा बेहतरीन है। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिए। और आगे चलकर मेरे ख्याल से हमें एक और बार ट्रैक चेंज करना है। यहाँ पर ये ट्रैक आप लोग देख सकते हो, राइट वाली लाइन से हमारी लेफ्ट वाली लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग लेफ्ट से राइट वाली लाइन पर जा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बोल रहा था ना कि हम लोग लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं। सिलीगुड़ी WDP4 ने बराबर से ट्रैक चेंज कर दिया, क्या बात है। दोनों साइड माउंटेंस है, शॉर्ट लेवल माउंटेंस है, फिर से यहाँ पर EMD खड़े। समझता हूँ यार EMD का टेरिटरी है, डीजल टेरिटरी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ। थोड़ा सा लैग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे एडॉन्स को प्लेस कर दिया, और दी लर्निंग वेज के एडॉन्स को तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा लैग होते हैं, रियलिज्म है यार उनमें इसलिए वो लैग होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार भाई थोड़ा सा हाई ट्रैफिक एक्ट बनाओ। देखो हाई ट्रैफिक एक्ट तो मैं बना नहीं सकता, आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हाई ट्रैफिक एक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। और वहाँ पर भी LHB के 2-3 डब्बे खड़े हैं, और वहाँ पर भी उत्कृष्ट एक रेक खड़ी है आड़े पोजीशन पे। और अभी एकदम से जहाँ पर हमें बहुत सारे ट्रैक्स दिख रहे थे, अभी सिर्फ हमें एक ही पटरी दिखी क्योंकि हम लोग लाइन डाइवर्ट किए जोरहट टाउन की ओर, लुमडिंग बादरपुर हो जाए, इस लाइन पर हम लोग अब आ चुके हैं राइट वाली लाइन पर। एक अच्छा सा कर्व हम लोग ले रहे हैं, पीछे से हम आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। मैंने वो LHB कोचेस आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखाया, तो आई थिंक सो आपने देखा होगा, दो जनरल क्लास और एक HCPV और वहाँ पर एक उत्कृष्ट रेक। तो बिल्कुल उस लाइन से हम लोग दूर आ चुके हैं, और एक अच्छा सा कर्व गाइस यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, आप लोग कर्व सीन एंजॉय कीजिए। वाह यार अमेजिंग सीनरी, अमेजिंग सुपर, ये तो कुछ भी नहीं है यार, आगे चलकर तो इतना मज़ा आने वाला है कि मत पूछो, सच में बोल रहा हूँ यार, सच में मज़ा आने वाला है। मज़ा तो आता ही यार हमेशा, ये कौन सी नई बात है। देखिए रूट की सीनरी अगर ऐसी होगी ना तो मुझे कॉमेंट्री करने में ज़्यादा मज़ा आता है, खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, और आपको मेरे ख्याल से देखने में भी ज़्यादा मज़ा आ ही रहा होगा। क्या बोलते हो दोस्त, मज़ा आ रहा है ना? ऑफ कोर्स आ रहा होगा, पूरा देखो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
धीरे धीरे एक्सलरेशन करेंगे, अभी तो जस्ट मेन लाइन से एक अलग लाइन पर हम लोग ज्वाइन किए, रूट डाइवर्ट कर दिए, थोड़ा सा स्पीड लिमिट कम ही रखेंगे स्टार्टिंग में, आगे चलकर 80 90 तक चले जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 100 तक चले जाएंगे। देखिए मैं ज़्यादा ट्रेन को भगाऊंगा नहीं, भगाऊंगा तो यार सीनरी मिस हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल ट्रेन को भगाऊंगा नहीं, बिल्कुल इन स्पीड लिमिट में चलूंगा, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ये तो सीनरी लेवल मिस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट्स लोड होने में समय लगेंगे, ठीक है, जिसके कारण मैं स्पीड लिमिट को थोड़ा सा कम ही रख रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो करंट स्पीड हो रही है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास, तो वो एक नॉर्मल स्पीड है। और LHB ट्रैक साउंड्स का आप लोग एंजॉय कीजिए, नटराजन सी की तरफ से ये ट्रैक साउंड्स रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर, स्पेशल थैंक्स टू नटराजन सी फॉर रिकॉर्डिंग दीज ट्रैक साउंड्स इनटू रियल लाइफ। और EMDK सेकेंडरी हॉर्न जो आप लोग सुन रहे हो ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, नहीं डाउनलोड किए तो ज़रूर से डाउनलोड कीजिए इस वीडियो के बाद में, पहले ये वीडियो देखिए यार, वाह क्या बात है यार। चलिए स्टेशन स्किप कर रही कि यहाँ पर पहली बारी आ जाती है हमारी, और ये स्टेशन कौन सा ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, स्टेशन बोर्ड विजिबल है ऑफकोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगी स्टेशन बोर्ड पढ़ने में। ये न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है गाइज, बिल्कुल गुवाहाटी के आउटर में ये न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी हॉल्ट नहीं है, और ट्रेन क्रॉसिंग करने के लिए रुकी है WDP4 LHF बोर्ड में हॉल्ट, सिलीगुड़ी का WDP4 यहाँ पर ICF उत्कृष्ट ट्रेन के साथ लगा हुआ है क्रॉसिंग करने के लिए। ये हमारी ट्रेन क्रॉसिंग इस ट्रेन के साथ होते हुए ये भी निकल जाएगा गुवाहाटी की ओर, जहाँ पर भी ये ट्रेन जा रही है यार, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो बहुत ही बढ़िया गाइज ये रूट बनाया है, अमेजिंग यार अमेजिंग। ट्रैक साउंड्स तो यार ओपी लेवल की सुनाई दे रहे हैं, बीच बीच में कट भी रहे लेकिन चलेगा यार, ज़्यादा नहीं कटता थोड़ा बहुत, हॉकिंग करते हुए वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर भी चार पांच लाइंस है, वहाँ पर हम लोग शंडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं फ्री ट्रेन की, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। चलो थोड़ा सा गाइस अभी हम लोग और आगे आ चुके हैं और स्पीड वही मेंटेन्ड है, और पीछे से नज़र आप लोग देख सकते हो AC चेयर कार के, इस ट्रेन का गाइस ना तीन तीन AC चेयर कार है, और बाकी तो सेकेंड सीटिंग जैसे D1 D2 D3 और इस टाइप के कोचेस का प्रोडक्शन एक्चुअली बंद हो चुका है जो मैं आपको अभी दिखाया जस्ट। खैर आगे चलकर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे, कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। सिंगल लाइन डीजल सेक्शन का यही मज़ा है यार, ये AC जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये भी पहले ICF जनशताब्दी में थी, और कुछ महीने मेरे ख्याल से, मेरे को एक्चुअल महीना या फिर ईयर पता नहीं कि जिस साल में या जिस महीने में या जिस दिन ये जनशताब्दी एक्सप्रेस LHB फॉर्मेट में अपग्रेड कर दी गई। ICF में भी अच्छा था यार, कोई प्रॉब्लम नहीं था ICF में भी। और अगर आप लोग बात करोगे प्रीमियम ट्रेन्स जो अभी फिलहाल ये जो सेक्शन अवेलेबल है चपारमुख जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, इस सेक्शन में चलती है कुछ प्रीमियम ट्रेन, जैसे ये जनशताब्दी एक्सप्रेस होगी, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन रनिंग ऑन दिस रूट, आप लोग बात करोगे अवध असम एक्सप्रेस भी दौड़ती है, और भी बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन्स दौड़ती है, उन सारे ट्रेन्स की एक्सप्रेस गाइस हम लोग कर सकते हैं इस सेक्शन पर, बहुत ही बढ़िया रूट है यार, ये कितनी बार बोलूँ यार, है ही यार तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखिए जब भी ना मैं कोई ऐसे रूट्स एक्सप्लोर करता हूँ ना जो सीनरी मेरे पसंद की होती है यार, तारीफ तो करनी बनती है बॉस हमेशा। अगर आप लोग बात करोगे मैंने बहुत सारे ऐसे नए नए रूट्स आपको दिखाए हैं, वो पंजाब वाला रूट हो गया या वो कोंकण वाला रूट हो गया, ये NFR रूट है, और भी आप लोग बात करोगे वो रांची वाला एक रूट हो गया, अमेजिंग सीनरी यार अमेजिंग। और नारंगी रेलवे स्टेशन का ऐसे स्किप कर रहे हैं हम लोग, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है, डिटेलिंग लेवल अच्छी है यार। देखिए अब मैं आपको बहुत सारे एडवांटेजेस बताया इस रूट के, एक डिसएडवांटेज भी है, तो हर एक रूट के एक्चुअली एडवांटेजेस हमेशा होते हैं, ऐसा होता नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन ठीक है मैं कहता हूँ अभी फिलहाल ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रूट है, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अंडर टेस्टिंग था, तो उन्होंने जस्ट मुझे बताया कि आप ये ट्राई कर सकते हो तो आप चेकआउट कर लीजिए, अगर आप गेम प्ले करना पसंद करते हो तो यू कैन डू अ गेम प्ले ऑन माय रूट, दैट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो गेम प्ले। तो डिसएडवांटेज ऐसा है ना, अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ डिसएडवांटेज एक्चुअली मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ डिसएडवांटेज, सिग्नल्स अभी तक प्लेस नहीं है किसी भी रूट में, अगर सिग्नल्स ना हो तो यार वो रूट अधूरा हो जाता है, पूरा एक्टिविटीज़ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो
थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैनेज हो सकता है एक्टिविटीज़ बनाना, बट थोड़ा सा और क्रिएटिविटी लगता है। तो सिग्नल अभी फ़िलहाल के लिए बने नहीं, के आने वाले वर्जन्स में देखने को मिल जाएंगे सिग्नल्स। और ये गुवाहाटी सिलचार वर्जन 1 है, चपारमुख रेलवे स्टेशन तक बनाया गया है, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था। और यहाँ पर ये ब्रिज देखिए, एकदम से ट्रेन को एसेंड करवा दिया यार, मतलब WDP4 को एक एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ी पूरी ट्रेन को ऊपर खींचने में। अच्छा हुआ कि स्पीड ऑलरेडी मेंटेन थी, नहीं तो यार ट्रेन नीचे आ जाती यार। ये अगर ज़्यादा ही अगर स्टीप होता तो मुझे लगता है बैंकर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए ट्रेन कैसे बेंड हो गई है पूरी, और यहाँ पर एक राउंड है, ये पूरा गोल राउंड मार के ना हम लोग नीचे से जाने वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सीन है, यस इसी सीन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसा हमारा WDP4 सिलीगुड़ी शहर का हमारी 12067 जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ कर्व मार रहा है, बहुत बढ़िया सीन, खतरनाक, क्या बात है यार। ये मुझे ना ये सीन देख के ना वो वाला सीन आ गया, आपको याद होगा पैरिस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस, आपको पता है ना पैरिस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस का मैंने गेम भी किया था 19667, उसमें भी एक ऐसा ही हॉर्स शू कर्व था, उसे मैं पुणे मिरर्स रूट कंसिडर करके गेम प्ले बना रहा था, आपको याद होगा। वैसे वो पुणे मिरर्स रूट नहीं था, वो अलग रूट था, फॉरेन रूट था, लेकिन हम लोग उसे पुणे मिरर्स रूट कंसिडर कर रहे थे। वो कर्व आता है एक हॉर्स शू कर्व, बहुत ही मस्त सीन था। अगर आपको पता होगा, आपने मेरा देखा होगा गेम प्ले 19667 पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस, आपको पता होगा वो बहुत ही बड़ा कर्व था। देखिए ट्रेन यहाँ से नीचे आ चुकी है भाई, इतनी ज़्यादा स्पीड होगी ना रियल लाइफ में, और ऐसे मौके पर ट्रेन डीरेल होना तो यार फॉर श्योर हो ही जाएगा यार डीरेलमेंट। तो प्लीज़ सॉरी अगर स्पीड ज़्यादा है, तो थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है क्या करें, गेम प्ले है ना, गेम है, चल जाएगा। अरे भाई देखिए यहाँ पर तो ब्रिज आ गया बड़ा सा, थोड़ा बहुत कोंकण का भी गाइस मेरे को फील दे रहा है ये रूट, सिंगल लाइन डीजल सेक्शन, और अगर सीनरी है अच्छी खासी कोंकण वाला भी थोड़ा बहुत फील आ जाता है। अभी मेरे को ना कोंकण का फील आ ही रहा है, साथ ही साथ मुंबई मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने का भी फील आ रहा है। सच बताओ ना आपको, सच्ची में मुझे ऐसा लग रहा है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस चला रहा हूँ मैं, मुंबई मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस, बिल्कुल वैसा फील आ रहा है। देखिए सिंगल लाइन डीजल सेक्शन है, ये ब्रिज है, और ये सीनरी है बिल्कुल कोंकण जैसा। मैं आपको बताऊँ ना रियल फैक्ट, कोंकण और NFR में ना ज़्यादा फ़र्क कुछ है ही नहीं जब बात आती है सिंगल लाइन की। ज़रा कमेंट में बताइए आपको भी ऐसा ही लगता है क्या, ज़रूर से। और जो गाइस मैं आपको कुछ समय पहले बोल रहा था प्रीमियम ट्रेन्स जो चलती है इस रूट पे, अभी यहाँ पर हमारी ना प्रीमियम ट्रेन के साथ एक क्रॉसिंग होने वाली है, बहुत ही देखने लायक सीन होने वाला है। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लूप लाइन पर जाने वाले हैं कि ट्रेन के साथ क्रॉसिंग करेंगे, और ट्रेन कौन सी है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, ज़रूर से प्लीज़ यार स्किप मत करना, नहीं तो यार सारा मज़ा जो एक्साइटमेंट लेवल होती है ना वो ख़राब हो जाएगी। आप बस देखते जाओ, मज़ा तो आपको आ ही जाएगा, क्या बोलते हो। खैर अभी तक वो स्टेशन आया नहीं है, थोड़ा सा टाइम है वो स्टेशन आने में, कुछ लोग तो पहुंच भी चुके होंगे। यार ऐसा मत करो यार दोस्त, सीनरी मिस आउट करो। देखो यार कितनी बढ़िया सीनरी है यहाँ पर, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ है, कुछ थर्मल पावर प्लांट्स भी है, समझते हैं ना थर्मल पावर प्लांट्स, चलो कोई नहीं फैक्ट्रीज ही कह देते। और आजू बाजू में खेत वेत है, यहाँ पर माउंटेंस भी है, वहाँ पर बगल में राइट साइड में डिस्टेंट माउंटेंस है, छोटे मोटे हाउस ब्लॉक्स है, कोकोनट ट्रीज़ है, ग्रास है, पानी की टंकियाँ तो यार बहुत ज़्यादा मेरे को इस रूट पे दिख रही है, बहुत कुछ है यार बहुत कुछ है, मज़ा ही आ गया यार ये सीनरी को देखते हुए। चलिए लूप लाइन पर आ चुके हैं, और ये स्टेशन हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसके लूप लाइन पर हम लोग रुकने वाले क्योंकि क्रॉसिंग करने वाले हैं हम डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ में। यस सही सुना आपने, हाँ यार सही सुन रहा हूँ, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ हम लोग क्रॉसिंग करने वाले हैं। क्या बात है यार क्या बात है, अराइवल चल रहा है यहाँ पर जनशताब्दी एक्सप्रेस का, और सामने से आएगी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। और ये स्टेशन कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेशन बोर्ड के थोड़ा सा पास लेके जाता हूँ आप सभी को। पानी खाई थी स्टेशन आई गेस सो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो यार प्लीज़ माफ़ कर दे यार, पानी खाई थी स्टेशन पर गाइस हम लोग आ चुके हैं, गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। देखिए नई चीज़ें एक्सप्लोर करते समय नए वर्ड्स आ जाते हैं सामने, तो कैसे हम उस वर्ड से फैमिलियर नहीं होते हैं, तो कैसे हम गलत बोल देते हैं तो सामने वाली पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं रहता है कि मैं किसी भी चीज़ को गलत बोलूँ, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो मैं सॉरी कहता हूँ आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा गए पॉइंट पर आ चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए तब, चलो कोई नहीं, क्रॉसिंग करने के बाद ना गाइस मैं आपसे मिलता हूँ।
सो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग गाइस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अभी यहाँ से हम लोग पानीखाइती स्टेशन डिपार्ट कर रहे हैं, क्रॉसिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है कंप्लीट एंड वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम द लूप लाइन ऑफ पानीखाइती स्टेशन एंड हेडिंग टूवर्ड्स आर जर्नी टूवर्ड्स चपारमुख जंक्शन जो कि है आज हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आज के गेम प्ले का। वैसे जोरहट टाउन तक जर्नी नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गुवाहाटी सिलचर वर्जन 1 रूट है, अंडर कंस्ट्रक्शन रूट है और रूट के क्रिएटर इंडियन ट्रेन्स गेमर करके है जिनका नाम है दीपक। तो दीपक जी की तरफ से ये रूट है। मैंने बहुत समय हो गया यार गेम प्ले में कर रहा हूँ, लगभग 20-22 मिनट हुए और मैं रूट क्रिएटर का नाम लेना ही भूल गया, सॉरी फॉर दैट। इंडियन ट्रेन्स गेमर ऐसा कुछ तो नाम है उनका, उनका खुद का नाम दीपक जी है। तो दीपक जी की तरफ से रूट है, थैंक यू सो मच फॉर दिस रूट। अगर वो गेम प्ले को देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी बढ़िया रूट है यार। और एक्सेलरेशन कर दिए गाइस, लगभग स्पीड अभी 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास होने ही जा रही है और अभी थोड़ा सा स्पीड को हम लोग एक्सेल करेंगे लगभग 80-90 के आसपास, तो कैसा है वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक अपार्टमेंट है यार, ये बिल्डिंग है अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट ही कह देता हूँ, एक बार क्लोज व्यू से देख लेते हैं एक बार। भाई ये ऑब्जेक्ट की क्या है, इतना रियलिस्टिक बालकनी के साथ बनाया गया है, वाओ टेरेस भी है, ये देखिए यहाँ पर भी है, अरे बाप रे, चार माले की बिल्डिंग है बालकनी के साथ में, वाह भाई ये किसने ऑब्जेक्ट बनाया यार, ज़रा कोई तो बताएगा मुझे किसका ऑब्जेक्ट है वो, भाई इतना रियलिस्टिक कमाल कर दिया यार दोस्त जिसने भी बनाया है यार, इतने अच्छे ऑब्जेक्ट क्रिएटर्स हैं आप, पहली बार देख रहे हो यार ऐसा ऑब्जेक्ट तो। और ये देखिए नीचे से रोड भी जा रहा है, खैर रोड के ऊपर गाड़ियाँ तो मुझे नज़र नहीं दिखाई दी मुझे ये कहना। अरे वाह रोड क्रॉस करने के बाद नदी भी क्रॉस कर दिए, वाह बैक टू बैक ब्रिज तो है ही, एक बार रोड नीचे से गया और एक बार नदी, वाह अच्छा सीन था वो। और यहाँ पर हम लोग हल्का सा कर्व ले रहे हैं आई गेस तो। और गाइस यार आज गेम प्ले में ना गलती मैंने कर दी यार, एक क्या गलती कर दी मैंने, बैंकिंग गन्सिस गाइस ऐड करने में भूल गया आज गेम प्ले में, चलो कोई नहीं यार गाई गाई में एक्ट बनाया। और गाइस ये ट्रैक साउंड्स में ना जबरदस्त वाली हॉन्किंग हो रही है जो ट्रैक साउंड्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वाह। और ये स्पीड भी बिल्कुल सही है, मैं कहता हूँ कि 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चल रहे, 83 अभी कांस्टेंट चल रही है हमारी स्पीड। देखिए इतने स्पीड पर भी अगर सीनरी कांस्टेंट रहती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट्स बराबर से प्लेस है और एकदम बराबर डिटेलिंग की है सीनरी की। अगर 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक सीनरी वैसी की वैसी रहती है, ऑब्जेक्ट्स विजिबल रहते हैं प्रॉपरली बिना किसी दिक्कत के, तो मतलब समझ जाना कि रूट A1 क्वालिटी का है, मतलब ज़्यादा हाई रियलिस्टिक भी नहीं है रूट और ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट्स के मामले में बोल रहा हूँ, हाई रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किए या फिर कम रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किए, ओके तो ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर फिर से स्टेशन स्किप ठाकुर कुची आई गेस सो, मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ गलत कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो कृपया करके माफ़ कर दीजिए। ठाकुर कुची रेलवे स्टेशन यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी रफ्तार में, 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्किपिंग ठाकुर कुची बिल्कुल मेन लाइन प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लेटफॉर्म शेड्स के साथ है, आजू बाजू में वो वॉल्स है, यहाँ पर RPF पोस्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो RPF का हेल्पलाइन नंबर गया शायद से वो गलत लिखा गया था, 182 है कि 139 है मेरे ख्याल से, शायद वो नंबर बदल दिया गया है, GRP का मेरे को पता है 1512 है, RPF का भी शायद 139 है, अभी मेरे को श्योर नहीं है गाइस नंबर के बारे में, तो आप चेक कर सकते हो गूगल पे वगैरह, खैर ये मुझे बात नहीं बतानी चाहिए गेम प्ले के अंदर में, लेकिन स्टिल बता दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे GRP का मैंने जो बताया गवर्नमेंट रेलवे पुलिस उनका 1512 है वो मुंबई डिवीज़न में, तो मुझे पता है 1512 है सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की, मुंबई डिवीज़न में तो 1512 है हेल्पलाइन नंबर, बाकी अन्य जोन्स में अन्य डिवीजन्स में मुझे पता नहीं GRP का हेल्पलाइन नंबर क्या है, लेकिन मुंबई डिवीज़न का तो पता है 1512 है सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे। तो ये एक्चुअली मुझे गाइस बात नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन स्टिल ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी हेल्पफुल बन सकती है। देखिए एक्चुअली बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं ये यार इंडियन रेलवेज़ के हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह होते हैं यार, आपातकालीन स्थिति में अगर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कुछ भी यार सेफ्टी रिलेटेड से हो सकती है, कुछ भी इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए सेफ्टी नंबर्स हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडियन रेलवेज़ की।
तो फिर से बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द टॉपिक बात मैंने यहाँ पर की, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बात है। ठीक है, मेरे वर्ड्स अभी ये बात आपको कभी लाइफ में मतलब ध्यान में आ जाएगी, आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी, इनकेस अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो। और जो मैं आपको बोल रहा था इन इंटीरियर्स के बारे में स्टार्टिंग में, कि इस टाइप के इंटीरियर्स का मैन्युफैक्चरिंग अभी बंद हो चुका है कम्प्लीटली। अभी वो सामने सामने बैठते हैं ना, फेस टू फेस, वो वाले इंटीरियर्स अभी अवेलेबल है जो रिसेंट मैन्युफैक्चर होते हैं LHB कोचेस चेयर कार वाले। और यहाँ पर हम लोग दिगारू रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी रफ्तार में। और ये स्टेशन का आजू बाजू के एरिया काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो दो प्लेटफॉर्म्स है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर स्टेशन बोर्ड्स भी है और बाजू में पेड वेड है, यहाँ पर FOB भी है, सुपर यार। बिल्कुल यहाँ पर तीन लाइन है, एक मेन लाइन है और बीच में एक लाइन है और बगल में एक लाइन है, मतलब दो लूप लाइन आप लोग कंसिडर कर सकते हो, डबल ओवरटेक डबल क्रॉसिंग हो सकती है बाय एनी चांस। और यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है, WDP4 भी हॉल कर रहा है। यहाँ पर भी फ्लैट कार के ऊपर ट्रैक स्लिपर्स है मेंटेनेंस पर्पस के लिए, ट्रैक मेंटेनेंस ये तो चलता रहेगा। WDP4 भी और वो भी काम कर रहा था यार मेंटेनेंस का, चलो अच्छा है। ये देखिए बर्ड व्यू से भी काफ़ी बढ़िया नज़र, अब राइट से एकदम नदी बह रही है जो कि काफ़ी अच्छा सीनरी बना देता है, मस्त यार। ऐसे स्पीड में फिर भी गेम प्ले करना कोई बुरा नहीं है, जैसा मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि यार मैं ट्रेन को भगाऊंगा बिल्कुल नहीं, ट्रेन को भगाऊंगा तो यार ऑब्जेक्ट्स लोड नहीं होगी, सीनरी लोड नहीं होगी, लेकिन इतने स्पीड में भी एकदम अच्छा खासा चल रहा है तो अच्छा है यार सच में। इस रूट के आने वाले वर्जन जितने भी आएंगे सब पर मैं गेम प्ले करूंगा, प्रीमियम ट्रेन्स कवर करने का प्रयास करूंगा, जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, आवाध असम एक्सप्रेस, अभी ये गुवाहाटी जोरहट टाउन जनशताब्दी एक्सप्रेस तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इनकेस ये रूट और भी आगे एक्सटेंड होता है तो फिर करेंगे, आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आप बोलते हैं कि यार इसके आने वाले पार्ट्स भी बना दो तो वो भी बना देंगे। पूरी स्पेशल ट्रेन भी मेरे ख्याल से इस सेक्शन पर दौड़ती है, खैर हमारे पास अभी विस्टाडोम कोच अवेलेबल नहीं है TLW की तरफ से, इसलिए वो पूरी स्पेशल ट्रेन वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हमारे पास जुगाड़ू कोच है, आपको पता है ना इंस्पेक्शन कार, लेकिन वो भी यार मज़ा नहीं दिलाता है इतना इंस्पेक्शन कार। मैंने इंस्पेक्शन कार को मैंने बहुत सारे गेम प्लेस में यूज़ किया है एज ए विस्टाडोम कोच, ट्रेन्स के मुंबई मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस, मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस, मैंने बहुत सारे गेम प्लेस में यूज़ किया है, लेकिन वो वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। वो एट देखिए एट द एंड वो विस्टाडोम है ही नहीं, वो इंस्पेक्शन कार है, हम उसे विस्टाडोम कैसे अज्यूम कर सकते हैं ना, वो तो अपने जुगाड़ू लैंग्वेज में हो गया। फिर से यहाँ पर दिगारू रेलवे स्टेशन स्किप करने के बाद फिर से स्टेशन स्किप करने की बारी आ जाती है, स्टेशन का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, ततेलिया रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्या बात है। ततेलिया रेलवे स्टेशन आगे से मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ आगे से कैसा स्किप यहाँ पर चलने वाला है, थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एंगल सेट कर देता हूँ मैं, ये पेड़ बीच में आ रहा है यार, चलो ये ठीक है, थोड़ा सा हाइड है लेकिन चलेगा, वाह क्या बात है। सिलीगुड़ी WDP4 विथ 12067 स्किपिंग ततेलिया रेलवे स्टेशन, अमेजिंग सीनियर, अमेजिंग ट्रैक साउंड्स बढ़िया तरीके से सुनाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस अभी कुछ ही समय और फिर हम अपने आज के डेस्टिनेशन पॉइंट पर भी पहुंच जाएंगे जो कि है चपारमुख रेलवे स्टेशन। और मुझे कमेंट्स में गाइस याद से ज़रूर बताना कि यार वो अपार्टमेंट किसने बनाया है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, देखिए उधर भी कॉर्नर में अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इन शॉर्ट वो ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक था, सच में बोल रहा हूँ मैं, मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट मैं ट्रेन्स में देख रहा हूँ, क्योंकि इतना रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट था वो। एक तो ये मॉडल्स तो है ही रियलिस्टिक, ऊपर से अभी ऑब्जेक्ट भी रियलिस्टिक देखने को मिल रहे हैं, वो TLW का ऑब्जेक्ट है क्या, मेरे को पता नहीं क्या यार, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इधर उधर से इंस्टॉल हो जाते हैं, पता नहीं किसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी यार सच में हमारे पास बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएटर्स हैं, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा पॉसिबल जो भी होता है। वहाँ पर एक लाइन जा चुकी है गाइस, आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया जस्ट बात करते करते। और ट्रेन्स में मैं ऐसे ही कुछ रूट क्रिएटर्स एक्सपेक्ट करता हूँ और रूट्स आ जाए, जैसे ये NFR वाला है, और भी सिंगल लाइन डीजल सेक्शन भी रूट क्रिएटर्स बनाए, इन्होंने तो यार ना कमाल ही कर दिया, इंडियन ट्रेन गेमर जो है दीपक जी, कमाल कर दिया यार दोस्त, कमाल ही कर दिया, मज़ा ही आ गया यार आज के रूट के प्ले करके।
यहाँ पर पावर लाइन भी जा रही है बीच में से। वाओ, माइन्यूट से लेके माइन्यूट चीज़ें यहाँ पर गाइस ऐड कर दी गई है। ट्रैक ऑब्जेक्ट्स आजू बाजू में प्लेस्ड है, रस्टी रेल्स है। फिर से स्टेशन स्किप करने की बारी यहाँ पर आ जाती है। स्टेशन का नाम पढ़ लेते हैं, जागी रोड रेलवे स्टेशन। ओके, दिस टाइम वी आर स्किपिंग जागी रोड रेलवे स्टेशन। पीछे ततेलिया रेलवे स्टेशन स्किप कर दिया और यहाँ पर जागी रोड रेलवे स्टेशन। एकदम सुनसान सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पैसेंजर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रेट ट्रेन वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, और भी प्रीमियम ट्रेन्स का तो मैंने बता दिया आपको। शंटिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर कर सकते हैं। फिर न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बगल में चार पांच लाइंस है, वहाँ पर हम लोग फ्रेट वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब मेरे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास एक और रूट है, महाराष्ट्र सेक्शन का रूट है, नासिक से लेकर इगतपुरी तक, बताऊंगा जल्द वो भी। और ये एसी चेयर कार का इंटीरियर, ये तो खैर इसका प्रोडक्शन तो चलता रहता है, इसमें कोई बदल नहीं किया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से इसके डिज़ाइन में। चेयर कार का वैसा ही है, लेकिन जो नॉन एसी वाला है वो मतलब फेस टू फेस जो बैठने वाला होता है ना सीटिंग अरेंजमेंट, वैसा बनाया गया है। नॉन एसी में बोल रहा हूँ, एसी का वैसा ही है, बराबर से चेयर है, यहाँ पर लेफ्ट में तीन है, राइट में दो है और बीच में टेबल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी तो क्या इंडियन रेलवे कितने सारे वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च कर रही है अलग अलग रूट्स पे, नॉर्थ में है, साउथ में भी अभी चालू हुए रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन्स में भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्द मैं किसी वंदे भारत एक्सप्रेस का भी गेम पे दिखाओ। बाय एनी चांस TLW अगर मॉडल्स बनाती है वंदे भारत ट्रेन के, मज़ा ही आ जाएगा तब तो। तो मैं बोल रहा था कुछ समय पहले, नासिक इगतपुरी का एक रूट है मेरे पास महाराष्ट्र सेक्शन का, हमारे एक सब्सक्राइबर मेंबर ने बनाया है रूट, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है वो, उस पर भी गेम प्ले मैं जल्द करूँगा, स्टे ट्यून्ड। अगर पहली बार आप इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए, मेरे दोस्त अभी तक वीडियो को यहाँ तक देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किए, तो यार तुमसे मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोल तो नहीं सकता ना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर हम लोग धर्मातुल रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। ओके, धर्मातुल रेलवे स्टेशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड में हरियाली हरियाली है, खेत है, मस्त यार। पानी की टंकियाँ तो यार आज के गेम प्ले में तो मैंने इतनी ज़्यादा देखी कि मत पूछो। बहुत सारी पानी की टंकियाँ मैंने देखी, आपने भी देखी होगी ऑफकोर्स, गेम प्ले तो आप देख ही रहे हो ना। तो जब भी रूट गाइस रिलीज होगा, एक्सपेक्टेड रूट रिलीज डेट मेरे ख्याल से 31 दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज़ होगा ये रूट। जो रूट क्रिएटर से मेरी जितनी भी बातचीत हुई है, तो ये रूट आपको मिल जाएगा उनकी तरफ से, और एक्टिविटीज़ भी मैं दे दूंगा आपको। हम बहुत सारी गेम प्लेस करेंगे इस रूट पर, तो एक्टिविटीज़ देने का काम मैं कर दूंगा, जो भी अच्छी खासी एक्टिविटीज़ होगी गेम प्ले प्लस एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सब कुछ होगा यार, बस चैनल से जुड़े रहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और आज तो यार काफ़ी मैंने बातचीत की आपसे, बहुत दिनों बाद गेम प्ले आया, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स के माहौल में गए ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है, जितना टाइम मिलता है थोड़ा इधर उधर करके हो जाता है वीडियो बनाना, बट स्टिल टाइम मिलता ही नहीं है। 2022 मैं यूट्यूब सच में थोड़ा सा मेरा डाउन ही चला गया था, डाउन मतलब वीडियोस मैंने कम डाले एज़ कम्पेयर टू अगर आप बात करोगे 2021। और यह आज का हमारा ऑफिशियल डेस्टिनेशन पॉइंट आ चुका है चपारमुख रेलवे स्टेशन। आगे का काम अभी फ़िलहाल बाकी है, यहाँ के आजू बाजू की सीनरी का काम भी बाकी है, लेकिन स्टिल ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ये सच में रूट क्रिएटर ने गारंटी दी है और उस गारंटी को रूट क्रिएटर फॉलो करेंगे, ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलेगा तो हम गेम प्ले भी करेंगे, काम रुकेगा तो गेम प्ले कैसे करेंगे, है ना, बात इज़ वेरी सिंपल, है ना। चपारमुख जंक्शन पर आपका स्वागत है दोस्तों, और आज की ये 12067 गुवाहाटी जोरहट टाउन जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड टिल देन दोस्तों, क्या सबर करो, जब तक रूट रिलीज़ नहीं होता है, रूट रिलीज़ होते ही एक्टिविटीज़ भी बनाना शुरू कर देंगे, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ रियलिस्टिक एक्टिविटीज़ ज़रूर बना देंगे हम आपके लिए।
और गेम प्ले में भी दिखाएंगे आपको कि एक्टिविटी को प्ले कैसे करना है। ट्रेन को थोड़ा सा और आगे लेके आता हूँ। वैसे प्लेटफॉर्म की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बड़ा जंक्शन है यार, इसलिए प्लेटफॉर्म की लेंथ ज़्यादा बनाई गई है यहाँ पर। ओह थक गया गाइस, आज तो मैं काफ़ी दिनों बाद इतनी ज़्यादा मैंने कमेंट्री की। चलो अभी आराम करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और फिर वीडियो पब्लिश कर देंगे जैसे ही मौका मिलता है। तो बाय दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।